जानेंगे क्लास 8th के प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। मैं देख रही हूँ कि क्लास 8th के बच्चों ने भी अच्छा प्रयास किया है। सबसे पहले सुहानी के पास जाते हैं, सुहानी बताएगी आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या बनाया है। मैंने भारत के बारे में बनाया और यहाँ पर भारत का नक्शा चिपका रखा है और मैंने भारत के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। वेरी फिर गुड। भारत का संविधान, मैंने यहाँ पे भारत के संविधान के बारे में कुछ चित्र काट के। कितना समय लगा भारत का संविधान बनने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कौन थे संविधान सभा के अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी गुड। संविधान के बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है और ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मैंने कहाँ है भारत का सर्वोच्च न्यायालय? नई दिल्ली। और उच्च न्यायालय? नैनीताल। जिला न्यायालय? पिथौरागढ़। वेरी गुड। तो मैंने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर है भारत का संसद भवन। मैंने भारत कहाँ है इसमें संसद भवन मैम? ये चित्र, हाँ गोल बना हुआ है ना। संसद के कितने भाग बताए? 2। कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। वेरी गुड। के बारे में यहाँ पर संसद भवन के बारे में लिखा हुआ है। फिर भारत पर अंग्रेजों का शासन, फिर जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। और फिर भारत के प्रमुख त्योहार, की भारत के प्रमुख त्योहार कौन कौन से आते हैं। वेरी गुड। अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? अब दीपावली। इससे पहले कौन सा त्योहार हुआ था? वेरी गुड। नंदा महोत्सव भी हुआ था ना डीडीआर में। भारत का खान पान, मैंने यहाँ पर भारत के खान पान के, ये बहुत अच्छा लगा इसका। इसने हर राज्य का, किस राज्य के लोग क्या खाना पसंद करते हैं वो इसने वो लिखा भी है और साथ में उसके चित्र भी बनाए हैं। वेरी गुड। आयुष आपने क्या क्या लिखा है बेटा? मैंने भारत के संविधान के बारे में लिखा है कि और भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखी है। वेरी गुड। और यहाँ पे मैंने भारत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यां लिखी है। वेरी गुड। और यहाँ पे मैंने भारत की कृषि चिपकाई है, जो पंजाब की कृषि, तमिलनाडु की कृषि और महाराष्ट्र की कृषि। और यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यां लिखी थी मैंने। और ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है जो मैंने काट के चिपकाए थे। और ठीक है बेटा, अब जाते हैं हम क्रिस के पास। क्रिस आप बताएंगे। लिख रखा है आधुनिक मनुष्य यानी होमो सेपियंस भारत कहाँ आए थे और कब आए थे। मेमोरी में मैंने दक्षिण एशिया में भारत के बारे में लिख रखा है। भारतीय दक्षिण पूर्व यहाँ क्या स्थित है, कौन से देश स्थित है और कौन से सागर स्थित है। और ये मैंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लिखा है, जो क्या है भारत का राष्ट्र ध्वज? तिरंगा। जो कितने रंग है उसमें? 3। और कितनी तीलियां हैं बीच में? 24। क्या मतलब होता है उसका? मैं 2400 घंटे आगे बढ़ते रहो। ठीक है मैम। ये पिंगली वेंकी जी ने बनाया था। और ये भारत का राष्ट्रगान के बारे में लिखा है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था 1911 में। वेरी गुड। और ये मैंने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ के बारे में लिख रखे है। उसमें जो अगर तू इसका चित्र भी बना लेता, राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बना लेता कितना अच्छा लगता बेटा। मैम ये मुद्रा चिन्ह के बारे में, भारत में रुपया जिससे लेन देन होता है। और मैम ये भारत की प्रमुख नदियां हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। ऐसे मैम ये भारत के संसद भवन के बारे में लिखा है मैंने। मैंने भारत की राजधानी नई दिल्ली के बारे में लिख रखा है, जो अंग्रेज के महाराजा जॉर्ज पंचम ने जो राजधानी दिल्ली की थी, इससे पहले राजधानी भारत की कलकत्ता थी। और मैंने ये ताजमहल के बारे में लिख रखा है, जो शाहजहां ने 1632 में अपनी पत्नी के लिए मुमताज महल की याद में ये बनाया था। और शाहजहां की कब्र भी ताजमहल में ही है। मेमोरी मैंने लाल किले के बारे में लिख रखा है। मेमोरी विश्व धरोहर स्थल में आता है, मैम उसकी सूची में है लाल किला। मैम मैंने लाल किले के चित्र बनाए। ये आपने अमित ने क्या क्या चीजें इसमें बनाई है? मैंने भारत के सभी राज्य दिखा रखे हैं और भारत के राज्यों के बारे में लिख रखा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है और इसमें 28 राज्य हैं। और इसमें मैंने अशोक, ये चित्र क्या बनाया है आपने? क्या है बेटा ये? मैम हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। मैम इसे 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसे उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उससे अशोक स्तंभ से लिया गया है। बहुत बढ़िया। मैंने ये भारत की प्रमुख कृषि के बारे में दिखा रखा है और ये रोपाई लगा रहे हैं, रोपाई लगाते हुए दिखा रखे हैं। और ये हमारी प्रमुख नदियां हैं, इसमें गंगा, यमुना और सरस्वती और कावेरी आदि। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा नदी है ना मैम। और ये लाल किले के बारे में लिख रखा है। कहाँ है लाल किला? वेरी गुड। और ये लाल लाल बलुए से बन रखा है, बलुई पत्थर से बना हुआ है। वेरी गुड। ये ताजमहल है, ये शाहजहां ने अपनी रानी मुमताज महल की याद में 1931 ईस्वी में बनाया था। वेरी गुड। वाओ बहुत सुंदर। और ये हमारा संसद भवन के बारे में कपिल बताएंगे, आपने क्या क्या बना रखा है कपिल? भारत के वर्तमान बारे में जो इसमें क्या दिखा रखा है आपने? भारत के राज्य और
राजधानी अभी ना। गुड। और ये भारत के, अब बढ़ते हैं विक्की के पास। विक्की आप दिखाएंगे आपने क्या क्या बना रखा है। मैंने यहाँ पे भारत के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रखी है और ये हमने अपने सपनों का भारत लिखा है। मैं अखंड भारत देखना चाहता हूँ, अपने सपनों का पहाड़ उत्तराखंड, उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी दी है, कब इसको स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई। मैंने संसद भवन के बारे में लिखा है कि इसकी इसका निर्माण कब शुरू हुआ, इस पे कितनी लागत आई, कब खत्म हुआ और किसने बनवाया था। अच्छी जानकारी है। और ये राष्ट्रीय पशु बाग के बारे में लिखा है। गुड। ये भारत की कृषियाँ की भारत की कृषियाँ लिख रखी है। गुड। ये ताजमहल बना, ये ताज। रिया बताएंगी आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या है। मैम मैंने भारत की आजादी के बारे में बताया है। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। मैम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। मैम और 1857 की क्रांति के बारे में लिखा है, जो जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। वेरी गुड। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857। और कौन थे इसके प्रमुख नेता? झांसी की रानी है ना। वेरी गुड। मैम दो मैंने प्रमुख त्योहारों के बारे में लिखा है, भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में। गुड। और जहाँ भारत में जहाँ मतलब राज्यों के प्रसिद्ध भोजन, जहाँ जो जिन राज्यों में जो प्रसिद्ध भोजन खाया जाता है, मैम उनके बारे में लिखा है। और मैम जो भाषाएं बोली जाती हैं भारत में अलग अलग राज्यों में। गुड। हाँ बेटा बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छा प्रयास क्लास 8 के बच्चों ने भी किया है। आपको मैंने प्रोजेक्ट में भारत के बारे में दिया था ना, और बहुत जानकारी आपने इसके बारे में इकट्ठा की है। देखो प्रोजेक्ट बनाने से क्या फायदा होता है ये आपको पता चला होगा ना। जैसे आपकी कापियों के अलावा आपने इधर उधर से भी बहुत सारी जानकारियां जुटाई, अखबारों से ली, कटिंग ली है ना। तो ऐसे ही हमको प्रोजेक्ट आगे अगले वाले में हम आपको दूसरे जगह का प्रोजेक्ट देंगे, तो आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें। ठीक है बेटा, थैंक यू।